दोस्तों भारतीय टीम वर्ल्ड कप के अपने आखिरी मुकाबले में नीदरलैंड की टीम को धूल चटाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है और इसी के लेकर भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टीम इंडिया की प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है और उन्होंने मैच से पहले ही भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में चार बड़े बदलावों के साथ मैदान पर उतरने का फैसला किया है, जिसको देखते ही नीदरलैंड की टीम ने मैच से पहले ही अपनी हार लगभग स्वीकार कर ली है। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम वर्ल्ड कप के अपने सभी 8 मुकाबले जीतकर अब वर्ल्ड कप का आखिरी मुकाबला नीदरलैंड से खेलने के लिए तैयार है, जो कि कल बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। इसी को लेकर भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं, तो वहीं नीदरलैंड की टीम के कप्तान के लिए मैच से पहले ही बेहद संकट की घड़ी चल रही है, क्योंकि नीदरलैंड की टीम ने अभी तक वर्ल्ड कप में 8 मुकाबले खेले हैं, जिसमें टीम ने मात्र 2 में ही जीत दर्ज की है। इसलिए उसे भारतीय टीम जैसी टीम के लिए हराना बेहद ही नामुमकिन होगा। तो वहीं रोहित शर्मा भी इस महामुकाबले को लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और टीम इंडिया लगातार वर्ल्ड कप में 9वां मैच जीतने के इरादे से उतरेगी। तो वहीं नीदरलैंड की टीम के लिए आखिरी मुकाबले में अपनी लाज बचाने के लिए मैदान पर उतरना होगा, लेकिन भारतीय टीम जिस तरह से इस वर्ल्ड कप में पूरी तरह से इनफॉर्म नज़र आई है, तो नीदरलैंड की टीम के लिए यह मैच काफ़ी मुश्किलों भरा होने वाला है। लेकिन फिर भी नीदरलैंड की टीम इस महाकाल में कोई भी बड़ा उलटफेर कर सकती है। इसी को देखते हुए टीम इंडिया के कप्तान ने इस महामुकाबले में कोई भी रिस्क ना लेते हुए बेंच पर बैठे खिलाड़ी रविचंद्र अश्विन, साधुर ठाकुर, ईशांत किशन जैसे धाकड़ खिलाड़ियों की टीम इंडिया में एंट्री करा दी है। इसके अलावा जो तक अभी तक वर्ल्ड कप में पूरी तरह से फ्लॉप साबित हो रहे सूर्य कुमार यादव और केएल राहुल को टीम इंडिया की प्लेइंग 11 से बाहर का रास्ता दिखा दिया है, जिससे भारतीय टीम की इस महामुकाबले में प्लेइंग 11 और भी मजबूत हो गई है। तो वहीं नीदरलैंड की टीम के लिए बहुत ही संकट की घड़ी है, क्योंकि ना तो उसकी इस वर्ल्ड कप में बॉलिंग कुछ खास प्रदर्शन कर पा रही, ना ही बल्लेबाजी। लेकिन भारतीय टीम के बल्लेबाज जिस तरह से विराट कोहली इस वर्ल्ड कप में पूरी तरह से इनफॉर्म नजर आए हैं, तो वहीं बॉलिंग में मोहम्मद शमी के आ जाने से भारतीय टीम और भी मजबूत हुए थे। जिस तरह से टीम इंडिया के बल्लेबाज तथा बॉलरों ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन किया था, उसी प्रदर्शन को नीदरलैंड की टीम के खिलाफ दोहराने के इरादे से भारतीय टीम उतरेगी। तो वहीं रोहित शर्मा भी इस महामुकाबले से पहले ही पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहा है, क्योंकि भारतीय टीम अगर वर्ल्ड कप में अपना यह 9वां मुकाबला जीत जाती है तो सेमीफाइनल से पहले एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिलेगी, क्योंकि टीम इंडिया का अब सेमीफाइनल न्यूजीलैंड की टीम से पक्का माना जा रहा है। इसलिए न्यूजीलैंड की टीम को हराना भारतीय टीम के लिए एक बहुत ही चैलेंज भरा होगा, इसलिए उससे पहले ही नीदरलैंड की टीम को हराकर सभी खिलाड़ियों का मनोबल हाई होगा, क्योंकि जिस तरह से मोहम्मद शमी ने इस वर्ल्ड कप में बेहद ही शानदार प्रदर्शन किया, तो भाई विराट कोहली भी लगातार वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन करते आ रहे हैं। तो भाई रोहित शर्मा ने इस महामुकाबले में इस प्लेइंग 11 के साथ नीदरलैंड की टीम को हराने के लिए मैदान पर उतरने का फैसला किया है, जहां पर भारतीय टीम की ओपनिंग जोड़ी टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा और एक बार फिर से सुमन गिल करते हुए दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि यह दोनों खिलाड़ी अभी तक वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरह से भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने अभी तक बेहतरीन प्रदर्शन किया है और उम्मीद है कि अगर वह नीदरलैंड और सेमीफाइनल में ऐसा ही प्रदर्शन करेंगे तो भारतीय टीम इस बार वर्ल्ड कप जरूरी जीतेगी, क्योंकि रोहित शर्मा ने अभी तक वर्ल्ड कप के सभी 8 मुकाबले खेले हैं, जिसमें वह 3 अर्धशतक तथा 1 शतक के साथ 450 से अधिक रन बना चुके हैं। तो भाई सुमन गिल भी अभी तक वर्ल्ड कप में जिस तरह से फॉर्म के लिए जाने जाते हैं उस तरह से फॉर्म में नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन उम्मीद है कि वह नीदरलैंड की टीम के खिलाफ फॉर्म में वापसी करेंगे और सेमीफाइनल से पहले ही अच्छा प्रदर्शन करेंगे। हालांकि उनकी जगह रोहित शर्मा इस महामुकाबले में ईशांत किशन को भी प्लेइंग 11 में खिलाने का विचार कर रहे हैं, क्योंकि सुमन गिल लगातार फ्लॉप साबित हो रहे हैं। तो इसके अलावा 3 नंबर के लिए भारतीय टीम के पास विराट कोहली जैसे धाकड़ बल्लेबाज मौजूद है, क्योंकि विराट कोहली अभी तक वर्ल्ड कप में पूरी तरह से इनफॉर्म नजर आए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ बेहतरीन 101 रन की पारी खेलकर और महत्वपूर्ण मुकाबले में टीम इंडिया को जीत दिलाकर उन्होंने सचिन तेंदुलकर के वनडे क्रिकेट में 49 शतकों के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है, क्योंकि विराट कोहली अभी तक वर्ल्ड कप में भारत की तरफ से सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं, क्योंकि विराट कोहली ने अभी तक 8 मैचों में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 550 से अधिक रन बनाए। तो वहीं 4 नंबर के लिए भारतीय टीम में एक बार फिर से
श्रेयस अय्यर इस महामुकाबले में खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि श्रेयस अय्यर ने जिस तरह से इस दो मैचों में शानदार प्रदर्शन किया है, वही उम्मीद है कि रोहित शर्मा के लिए कि वह नीदरलैंड तथा सेमीफाइनल और फाइनल में ऐसा ही प्रदर्शन जारी रखेंगे। तो वही पाँच नंबर के लिए भारतीय टीम के एक बड़ी परेशानी खड़ी हो रही है, क्योंकि जिस तरह से इस वर्ल्ड कप में केएल राहुल ने शुरुआत की थी, लेकिन अब वह पिछले चार मुकाबलों से पूरी तरह से फ्लॉप साबित हो रहे हैं, इसलिए रोहित शर्मा के लिए सेमीफाइनल से पहले ही टेंशन बढ़ रही है। हालांकि उम्मीद है कि अगर वह नीदरलैंड के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो वह सेमीफाइनल जरूर खेलते हुए दिखाई देंगे। तो वहीं छः नंबर के लिए एक बार फिर से इस महामुकाबले में सूर्य कुमार यादव खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि सूर्य कुमार यादव ने जिस तरह से वर्ल्ड कप में प्रदर्शन किया वो काबिले तारीफ है। हालांकि उन्होंने पिछले दो मुकाबलों में कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया, जिससे टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा की टेंशन बढ़ने जा रही। हालांकि बल्लेबाजों की कमी होने के कारण उनकी छः नंबर पर जगह पक्की मानी जा रही। तो वहीं सात नंबर पर भारतीय टीम के पास धाकड़ ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा मौजूद है, क्योंकि जब से हार्दिक पांड्या टीम इंडिया से बाहर हुए तब से उन्होंने हार्दिक पांड्या की कमी को महसूस नहीं होने दिया, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ बेहतरीन बल्लेबाजी से प्रदर्शन किया तथा बॉलिंग से भी उन्होंने शानदार गेंदबाजी की और 5 विकेट लेकर उस महामुकाबले में भारतीय टीम के लिए जीत दिलाई थी। क्योंकि रविंद्र जडेजा ने अभी तक वर्ल्ड कप में सभी 8 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने शानदार गेंदबाजी की है और 15 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। तो वहीं 8 नंबर के लिए भारतीय टीम में इस मैच में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, जहां पर कुलदीप यादव को आराम देकर उनकी जगह रविचंद्र अश्विन को इस महामुकाबले में खिलाया जा सकता है, क्योंकि कुलदीप यादव का इस वर्ल्ड कप में जैसा प्रदर्शन होना चाहिए थे वैसा नहीं गया, क्योंकि कुलदीप यादव ने अभी तक वर्ल्ड कप के सभी 8 मुकाबले खेले हैं, जिसमें वह 12 विकेट ही अपने नाम कर सके हैं। तो भाई 9 नंबर के लिए इस महामुकाबले में एक बार फिर से मोहम्मद सिराज खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि मोहम्मद सिराज ने अभी तक वर्ल्ड कप में बेहतरीन प्रदर्शन किया है, क्योंकि मोहम्मद सिराज ने अभी तक वर्ल्ड कप के सभी 8 मुकाबले खेले हैं, जिसमें वह बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 12 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। तो भाई 10 नंबर के लिए एक बार फिर से टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने अभी तक वर्ल्ड कप में बेहतरीन प्रदर्शन किया और हर मुकाबले में वह भारतीय टीम के लिए जीत दिला रहे हैं, क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने अभी तक वर्ल्ड कप के सभी 8 मुकाबले खेले हैं, जिसमें वह 15 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। तो वहीं आखिरी नंबर के लिए भारतीय टीम के पास एक और तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी मौजूद हैं, क्योंकि मोहम्मद शमी ने जब से भारतीय टीम में वर्ल्ड कप में वापसी की है तब से वह काफ़ी खतरनाक गेंदबाजी कर रहे हैं और टीम इंडिया को और भी मजबूती मिले, क्योंकि मोहम्मद शमी ने अभी वर्ल्ड कप में मात्र खेले हैं, जिसमें वह बेहतरीन इकोनॉमी के साथ मात्र 4 ही मैचों में 16 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। तो भाई इसी प्लेइंग 11 के साथ भारतीय टीम की कप्तान रोहित शर्मा आखिरी महामुकाबले में नीदरलैंड की टीम को हराने के लिए मैदान पर उतरेंगे। आपके अकॉर्डिंग इसमें क्या बदलाव किए जाने चाहिए, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ।